यह आग लगी नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। मुख्यमंत्री का विभाग है और नो डाउट कहीं ना कहीं इसमें अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया है। और इसी का कारण है कि सरकारी अमला समय पे नहीं पहुंच पाना और उसको काबू नहीं कर पाना। मतलब सीधा सीधा है, मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ है, इन घोटालों को दबाने के लिए ही इस तरह से आगजनी को अंजाम दिया गया है। आगजनी की घटना हुई है, लेकिन भगवान की दया है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है, और उसमें अधिकारियों ने कुछ होशियारी भी की। वहाँ पर 3 टैंकर थे, उसका ढक्कन समय पर खोल दिया, न था मतलब ब्लास्ट होता तो अगल बगल चिंगारी जाती और आग फैलने की संभावना थी। और तत्काल में फायर ब्रिगेड के लोग भी आए और आग पर काबू पा ली गई है, किसी तरह से जनहानि नहीं हुई है। इस पूरी घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि कैसे आग लगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कल हुए बड़े अग्निकांड पर। जी हां, अग्निकांड की अग्नि तो शांत हो गई, पर उस राख से सुलगते हुए सवाल हमारे सामने आज भी खड़े हैं। इस तरीके के अग्निकांड के बाद हमारी सुविधाओं की, हमारे प्रबंधन की, हमारे दावों की पोल हर बार खुल जाती है और ऐसे में हम इसी बात का चिंतन करते रहते हैं कि ऐसी परिस्थिति से हम निपटे कैसे। इस पर आज चर्चा करेंगे, साथ ही उन बातों पर भी चर्चा करेंगे जो कि सियासी सवाल के रूप में मुंह बाएं खड़े हुए हैं कि कहीं ये आगजनी कोई साजिश तो नहीं है। क्या है ये पूरा मसला, किस तरीके के ओपिनियन सामने आते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ बिजली विभाग के पूर्व कर्मचारी अरुण देवांगन जी मौजूद हैं, वो यूनियन से भी जुड़े रहे हैं, बहुत स्वागत करते हैं उनका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और कोटा क्षेत्र के पार्षद भी हैं श्री कुमार मेनन जी, जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि दीपक बैज ने तो सीधे सवाल दाग दिए हैं, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री का है इसलिए ये पूरा मसला राजनीतिक होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी इस बात पर रही है कि इस तरीके की घटनाओं को कैसे हैंडल करें, इसके लिए प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की ले लेते हैं श्री कुमार मेनन जी। इस तरीके की आग की घटना इसी यार्ड में पहले भी हो चुकी है, आप इस तरीके की चीजों को देखते रहे हैं, कुछ सीखा, कुछ बदला कि वही चीजें वही ढर्रे पे हम चल रहे हैं, कहां पर कोई चूक दिखती है आपको? सरकार बने भी 4 महीने हुए जी, और दीपक बैज जी ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से एक सोचनीय विषय है। उस क्षेत्र के रहने वाले 1.5 लाख 2 लाख की आबादी है, वहां के लोगों को भी इस बात की शंका है कि कैसे अचानक शनिवार के दिन दहाड़े आग लग जाती है। दिन का समय अगर रात होता तो चलो हम बोल सकते थे कि कोई बात दिक्कत थी, दिन दहाड़े अगर वहां आग लग रही है और आग पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वहां पर आसपास रेजिडेंशियल इलाका है, ऑफिस में फ्राइडे होने के बाद भक्त महाकर्मा की जयंती की छुट्टी होने के बाद भी वहां पर लोग थे, कुछ लोग जो अपने डेली के काम करने के लिए आते वो लोग थे। इन सब के सामने में अगर आग लग रही है और आग इतनी तेजी से फैल रही है, कहीं ना कहीं शंकाओं को बल मिलता है। शंका होती कि आज 150 से लेकर 200 करोड़ का अगर वहां पर सामग्री रखा हुआ है, 150-200 करोड़ का, और 150-200 करोड़ की सामग्री को खुले में रखा गया है, खुले में रखने के अलावा उसके सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, कहीं फायर फाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है,
वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई है कि अगर कहीं आग लगे या कुछ हो तो बचाव के लिए कुछ रास्ते बने, कुछ निकले, लेकिन एक लापरवाही दिखती आ रही है। और इसमें हमको शंका इसी बात का है कि कहीं ना कोई षड्यंत्र है। मार्च एंडिंग अभी अभी हुआ है, स्टॉक पोजीशन के बारे में वहां रोज हमारा तो रोज वहां से आना जाना है, दसों गाड़ियां वहां के खड़े रहती रोड पर, आने वाले पुराने ट्रांसफार्मर्स भी आते हैं, नए ट्रांसफार्मर भी आते हैं, वो ट्रांसफार्मर जले हैं, कुछ आए हैं, इनवॉइस बना है नहीं बना, आए हैं नहीं है, रिकॉर्ड स्टोर के पूरे जल गए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आखिर वहां असली जो हानि की बात कर रहे हैं। मेरा तो स्पष्ट आरोप है ये 150-200 करोड़ का नहीं है, ये कम से कम वहां पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है 400-500 करोड़ के सामग्री रखी हुई थी। नहीं, इस तरीके के दावे हो रहे हैं, आधार क्या है? आधार ऐसी आशंका क्यों बलवती हो रही है? क्या आधार लगता है, क्या हिंट है आपको? आधार का कारण ये है कि जहां पर भी ऐसे स्टोर होते हैं वहां पर जब सामग्री रखी जाती है तो उसको प्रॉपर कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी के मेजर्स को पहले देखा जाता है कि वहां रखे हैं तो उसके आसपास क्या सिक्योरिटी के ये है, रेत वगैरह मिनिमम जो चीजें रहती है वो रखा जाता है। उसके अलावा उसके बाजू में ट्रेनिंग सेंटर है, आप देखेंगे उसके आप गए होंगे कल, वहां पर बाजू में जस्ट ट्रेनिंग सेंटर, उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में भी कर्मचारी लोग रहते हैं, वहां ट्रेनिंग करने वाले लोग भी रहते हैं। इतना विकराल रूप लेने के दौरान 1.5 घंटे बाद प्रशासन होश में आता है, 1.5 घंटे बाद नगर निगम का आयुक्त तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जिलाधीश महोदय है, बाकी अन्य लोग आने में टाइम लगते हैं, फायर ब्रिगेड के फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है उनको आने में टाइम लगता है, जबकि उस एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे, सबको मालूम है कि अगर हम समय रहते इंडस्ट्रियल एरिया की गाड़ियां फोम बेस्ड होती है उनको बुला लिया होता, चाहे वो जितनी भी बड़ी कंपनी है, शारडा है, गोदावरी है, इन सब के पास अपनी गाड़ियां हैं। अगर हमारे पास वाकई में हमारे अगर जो एक तो जल्दी पहले नगर निगम इस चीजों को देखता था, लेकिन नगर सेना को दे दिए जाने के बाद में नगर सेना के हाथ में पूरी व्यवस्था बन गई है, राज्य शासन के हाथ में है, राज्य शासन इसकी देखरेख करता, राज्य शासन व्यवस्था बनाता है। अगर राज्य शासन के तरफ से जैसे ये चीजें हुई अलर्ट मोड में बात आई, कलेक्टर महोदय की टीम हो चाहे बाकी जो कोऑर्डिनेट करना चाहिए था ये चीजों को, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर समय रहते हो जाता तो शायद इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होती, इतने ज्यादा ट्रांसफार्मर नहीं जलते, लोगों की यह स्थिति थी। मैं आपको बता दूंगा कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे, बदहाश हो गए थे, कई लोग बेहोश होते रह गए थे, लेकिन आदमी चक्कर आके गिर रहे थे क्योंकि डर था सबके मन में कि उनके जीवन भर की संपत्ति मत चला जाए। और मैं चूंकि ये चर्चा का विषय उठ गया है, मैं चाहूंगा कि अब इस बारे में प्रशासन गंभीरता से सोचे। वहीं पर एफसीआई का गोडाउन है 1 किलोमीटर के अंदर में, उसके पास में ही नान का गोडाउन है जहां लाखों टन चावल रहता है, एफसीआई का स्टोरेज गोडाउन है, ये सब आसपास है, सीएससीबी का जो हमारा एरिया है, ठीक जी, ये सब एरिया को अब धीरे धीरे, क्योंकि शहर पहले शहर के अंदर ये इलाके थे, शहर के बाहर के इलाके थे क्योंकि रेलवे स्टेशन के पीछे के इलाके हैं, ये 50 साल 60 साल 70 साल पहले बनी हुई प्रीमाइसेस है, 70-60 साल पहले जब बनाया गया था तो आउटर इलाका कहलाता था, आपने जब वहां बना था तो अब शहर का जो स्वरूप बदल चुका है, रिंग रोड के बाहर इन सभी संस्थानों को, इन सभी जगहों को ले जाकर वहां पर एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, गोडाउन हो चाहे जो भी चीज हो, तभी वहां के लोग सुरक्षित रह पाएंगे, तभी लोग वहां पर किसी भी रूप में ऐसा उनकी सेफ्टी को हम देख पाएंगे और एक हमेशा के लिए ट्रैफिक से लेकर बाकी सब प्रॉब्लम भी खत्म होगा। बिल्कुल, चलिए, तो कई तरीके की आशंकाएं हैं और उसके पीछे के तर्क भी हैं जो कि हमने श्री कुमार मेनन जी से सुना भी, लेकिन क्या इस तरीके के यार्ड में प्रशासनिक रूप से या कहें प्रबंधन के रूप में जो व्यवस्थाएं होती है वो क्या नहीं होती, उन्हें ठीक करने की जरूरत है? पहले हम अरुण देवांगन जी से समझ लेते हैं कि ऐसी गलतियां कई बार देखी जाती है, तो क्या उससे भी विभाग सीखता है नहीं सीखता, और इस पूरे प्रकरण में उनका क्या विशेषज्ञ नजरिया है जान लेते हैं। अरुण जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है, यह तो सर्वसिद्ध है, लेकिन जिन हालातों में हुआ है, वास्तव में
प्रशासनिक जो वहां पे सक्षमता होनी चाहिए स्टोर के भीतर में, जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें काफी कमी पिछले काफी सालों से दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये समस्या आज पैदा हुई या कल पैदा हुई, ये समस्या काफी सालों से है। स्टोर को हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया है, और आप जानते हैं कि स्टोर में जब सैकड़ों का करोड़ का सामान रखा हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर काफी कुछ व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, लेकिन उस दुर्भाग्य से उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता रहा। सीसीटीवी प्रॉपर वे में अभी कुछ से लगाए गए हैं, साल भर पहले जो पुराने एक्सीडेंटर थे उन्होंने लगवाए थे, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, ऐसी मेरी जानकारी में है। और उस स्टोर का इंश्योरेंस भी नहीं है, ये भी एक गंभीर मामला है। एमपीबी के समय स्टोर या जितने भी हमारे इस तरह के कैश ट्रांजेक्शन होते थे, जहां भी होते थे, वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हम इंश्योरेंस करते थे। लेकिन मुझे याद है कि 1999 के बाद से, 98-99 के बाद से ये सारी व्यवस्थाएं जो है वापस ले ली गई, या इंश्योरेंस का की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इंश्योरेंस में हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम अपना काफी कुछ नुकसान कर बैठते हैं, यह सर्वमान्य है। स्टोर जो है जहां पर कि रेगुलर एम्प्लॉइज होने चाहिए, गार्ड जो है प्रशिक्षित होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वहां पर कोई गार्ड प्रशिक्षित नहीं होने से उनको कोई समझ में नहीं आना है। यदि इस तरह के जब हादसे होते हैं तो सवाल जो उठते हैं, उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता। आज प्रबंधन ने जरूर जांच की बात कही है, लेकिन इसके पहले भी जो आगजनियां हुई हैं उस ओर भी प्रबंधन यदि सजग रहते हुए काम करता तो मुझे लगता है कि काफी कुछ सीखा जा सकता था। और एक आशंका, जो प्रारंभिक आशंका जताई गई है कि यहाँ यह शॉर्ट सर्किट का मामला हो सकता है, तो जो मुझे ध्यान है कि ट्रेनिंग सेंटर और स्टोर दोनों का जो बाउंड्री है, कॉमन बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पास में जो हमारा इलेक्ट्रिक केबल लगे हुए हैं, फीडर्स हैं, वहां पर से एक संभावना है कि यदि वहां से कोई स्पार्किंग होता है उस ज्वाइंट से, तो निश्चित तौर पर वो सीधे सीधे स्टोर की ओर गिरेगा जमीन पर। और जमीन पर चूंकि ऑयल भी होता है और काफी गर्मी थी, गर्मी होने से घास फूस जो है पूरे के पूरे इकट्ठे थे, वो उन पे लगी, और उनके लगने के बाद फिर यह सब हुआ। और जो सूचनाएं हैं कि बताया ना, गार्ड यदि सक्षम होते, प्रशिक्षित होते और इस कंपनी के या स्टोर की कार्यप्रणाली से वाकिफ होते, तो निश्चित तौर पर इसको शायद टाला जा सकता था। लेकिन हम लोगों ने सारी व्यवस्था को, और स्टोर के अंदर भी जो काम करने वाले एम्प्लाई हैं, रेगुलर एम्प्लाई नाम मात्र के रह गए हैं, छुट्टी का दिन होने से और भी दिक्कत है। और छुट्टियां आप जानते हैं कि पावर कंपनी में भी राज्य शासन के तर्ज पर काफी छुट्टियां मिलती हैं, जो कि किसी कॉमर्शियल कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में शायद उचित नहीं है। ये इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और हम आप जानते हैं कि विद्युत विभाग 24 घंटे का सेवा करता है, हमारे जो लाइनमैन है, हमारे जो हेल्पर है, हमारे जो तकनीकी स्टाफ है, वह लेकिन जितने ऑफिस में बैठने वाले ऑफिसर्स हैं, शायद उन्हें छुट्टी की चिंता ज्यादा रहती है, इसलिए आप देखे होंगे कि सारे ऑफिसों में ताला रहता है और अपने आप में वो मक्त रहते हैं। ठीक है, तो कई तरीके की बातें हैं, और जो लापरवाही जैसी चीजें हैं, या कहें कि एक ऐसी गलती जो कि अनचाहे रूप से भी हो जाती है, वो भी इस पूरे प्रकरण में दिखाई देती है। आलोक जी की ओर रुख कर लेते हैं। आलोक जी, हालांकि प्रशासन ने काफी मुस्तैदी दिखाई है, मुआवजा भी बांट दिया है, अधिकारियों को भी सक्रिय कर दिया है, लेकिन अभी भी सवाल वही कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें चूक होती है, तो इस तरीके की घटनाएं होती है। क्या ये बात को मानेंगे और आगे ऐसी घटना ना हो इसे सुधारेंगे? और साजिश जैसी बातें आ रही हैं कांग्रेस की ओर से, उस पर क्या जवाब रहेगा आपका? ये लागू हो रही है। आप समझिए कि एक दुर्घटना में भी ये अवसर ढूंढ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की मुस्तैदी थी, फायर ब्रिगेड टीम की मुस्तैदी थी कि आज वहां पर में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई जी। ये एक अचीवमेंट है हमारे शासन प्रशासन का कि वहां पर में जनहानि होने से बची। हाँ, डेफिनेटली हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने बड़े अग्निकांड के। ये हुई अपनी पहली बात। दूसरी बात, केवल 4 महीने हुए हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में आए हुए, उसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया यहाँ पर में, और आप व्यवस्था की आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, आदरणीय विजय शाह जी की सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। 5 साल आपको व्यवस्था बनानी थी, आज हमारी जो अतिथि बैठे हुए हैं वो टेक्निकल चीजों के बारे में बता रहे थे कि क्या चीजें होनी चाहिए थी वहां पर में, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए था, ये सब चीजें किसे करना था।
पांच वर्ष तक कांग्रेस की सरकार ने केवल उन योजनाओं पर ध्यान दिया जिसमें उनको अपनी जेबे भरनी थी। आज वो ये बात कर रहे हैं कि वहां पर मैं सबका प्रदान करें। अरे आदरणीय हमारे संविधान से मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं वहां पर मैं जाकर के स्थिति का जायजा लिया। इतने खतरा होने के बावजूद भी शाम को वो पहुंचे थे और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए ये तक कह दिया कि जितने भी पीड़ित लोग हैं जिनको भी आर्थिक रूप से नुकसान हुए उसके नुकसान की भरपाई प्रशासन करे। और कांग्रेस प्रत्यारोपों की राजनीति में उलझी हुई है, आज उन्हें कोई अवसर मौका नहीं मिल रहा है। तो ये अवसर मौके की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पांच साल सत्ता में रहे और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। आज देखिए आज भी फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है या स्टेशन है तो एक ही तरफ सर शहर इतना बड़ा हो गया, व्यवस्था नहीं बन पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया। आज शहर इतना आज फायर ब्रिगेड की आवश्यकता केवल एक तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। कभी आग लग जाए यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड जो है एक तरफ से आ रहा है। आज शहर के चारों कोनों में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए, चारों क्षेत्र में फायर ब्रिगेड का स्टेशन होना चाहिए ताकि ये जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से किया जाए। कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो त्वरित रूप से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो पहुंच सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी विलंब हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद शासन प्रशासन ने तत्परता से काम किया। ये बहुत बड़ा सरकारी नुकसान है, इसमें ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना मैं नहीं समझता कि सही होगा, बल्कि इस बात की सराहना की जानी प्रशासन की, किसी प्रकार की जनहानि नहीं। ठीक है, चलिए श्री कुमार मेनन जी, क्या ये वक्त है ऐसे समय में सियासत करने का? ये तो दुर्घटना थी, दुर्घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, काफी मुस्तैदी भी दिखाई गई, प्रशासन लगा रहा, 7 घंटे की मशक्कत रही, ऐसे समय में ये सवाल उठाना कितना जायज है? और इसी तरीके की बातें बीजेपी भी बोलेगी कि भाई आप लोग की सरकार थी, ये 3 महीने इनको हुआ है, सारा दोष इनकी सरकार पे डाल देना कितना उचित होगा? मोहन जी, ये वो पार्टी के लोग बोल रहे हैं जो 70-80 साल पुराने मामले को लेकर उठाते हैं, गड़े मुर्दे उठाने वाले लोग, उखाड़ने वाले लोग। हम बात कर रहे हैं आज की 24 घंटे के अंदर घटना हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं, और 3-4 महीने पहले की बात नहीं, सरकार की बात नहीं है, प्रशासनिक सक्षमता की बात। मैं कल की बात करूंगा, कल जब पहला धुआं निकलना चालू हुआ, पहली चिंगारी निकली, उसके बाद का रेस्पॉन्स टाइम की बात कर रहा हूं मैं। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि सरकार क्या करी क्या नहीं करी, उसने जैसे साहब जी आए उन्होंने क्या बाइट दिया क्या बोला, मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स टीम का क्या ये था, रिएक्शन कितने देर में आपने दिया कि भाई जैसी आग लगती है हमको मालूम चलता है, उसके बाद जो अमला भाई एनडीआरएफ की टीम की बड़ी बड़ी बातें करते, जब श्रेय लेने का नौबत आता है कहीं से अगर एक किसी को एक जगह से बोरवेल से बचा दिया जाता है पूरे श्रेय लेने के लिए सब लोग यहां से लेके केंद्र सरकार के तक के लोग आ जाते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने आके ये सब किया करे, क्यों नहीं कल ये चीज रेस्पॉन्स टाइम तेजी से हुआ, क्या इतना कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते थे कि पूरी व्यवस्थाओं को टाइमली अगर 1 घंटे के अंदर जहां से बुलाना हो, चाहे बीएसपी से आना हो, चाहे सिलतरा के अंदर से गाड़ियां आना हो, चाहे एयरपोर्ट से आना। और आपको बता दूं कल की जो गाड़ी है सबसे लास्ट में जो गाड़ी आई है उस गाड़ी के कारण ही आग बुझी है, वो है एयरपोर्ट की गाड़ी। एयरपोर्ट का जो फायर फाइटर जो इक्विपमेंट है जो बड़े बड़े फायर इसको यूज करने के लिए आता है उसका जब लास्ट में यूज किया गया। ये स्पॉट डिसीजन लेने का समय रहता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन का एक समय रहता है कि क्या प्लान से बात में अभी सिर्फ हो रही है कैसे उस फायर फाइटिंग सिस्टम को हम या हानि को बचा सकते थे, कम कर सकते थे। जो उस समय में जो त्वरित निर्णय लेने के समय थे वहां जो लापरवाही या लेट किया गया, 1.5 घंटे के बाद चालू हुआ वहां पर आना, मतलब छोटी छोटी चीजें आपको बता दूं, मैंने खुद कलेक्टर महोदय से बात किया था कि आप 10-20 ट्रक कम से कम पहले रेती मंगवा लीजिए, रेत मंगा लेंगे, डंपर मंगवा लेंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ा खतरा इस बात का था कि बाजू में 132 केवी का सबस्टेशन है। 132 केवी का सबस्टेशन में कहीं अगर ये हमारे ईश्वर की कृपा थी कि कम से कम वहां तक आग नहीं पहुंची, अगर होता तो कम से कम 10 दिन ब्लैकआउट की स्थिति रहती हमारे रायपुर के और आसपास के इलाकों में। तो ऐसी भयावह स्थिति में जो एक सभी तरीके से एक सम्मिलित रूप से जो टीम वर्क का काम होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही थी। निश्चित रूप से आयुक्त महोदय हमारे पहले पहुंचे थे, लेकिन जहां तक बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर के द्वारा आरोप लगाने की बात, भाई शंका क्यों नहीं होगी हमको कि भाई आप 150, 200, 300, 400 करोड़ का हमको अभी तक किसी के पास सही फिगर नहीं है, अखबार भी लिख रहा है, कोई 150 करोड़ लिख रहा है, 100 करोड़ लिख रहा है, हमारा आरोप स्पष्ट है
कि वहां 200 से 300 400 करोड़ का कम से कम सामग्री नया पुराना रखा हुआ है। देवांगन जी से समझ लेते हैं। देवांगन जी, क्या इस तरीके की कुछ गड़बड़ी होती है कि मार्च एंडिंग है, स्टॉक का मिलान करना है, स्टॉक का ऑडिट होगा, कुछ घपला गड़बड़ी को दबाने के लिए तो ये आगजनी की घटना नहीं हो गई? आप इस तरीके के केसेस का ये देख चुके होंगे। देखिए क्या है कि मार्च एंडिंग से हमारा कोई बहुत ज्यादा संबंध होता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ हमारे सेप में रिकॉर्ड है। रोज बरोज जो मटेरियल आ रहे हैं और जा रहे हैं बगैर सेप में एंट्री के, ना तो वो जाते हैं ना अन्य जाते हैं, तो उसका कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो सकती है। ये प्रशासन हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट है इस मामले पे, और मिलान जो है रोज बरोज हो जाता है कि भाई हमारे पास कितनी इन्वेंटरी है, कितना खरीदी हुई और वो आया नहीं माल, वो हम कागज में दिखा रहे हैं स्टॉक में। देखिए ये सारा कुछ गेट पास से अंदर आता है, कोई मटेरियल यदि नहीं आया है तो उसका सिर्फ पेपर आ जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि मटेरियल जो है वो गेट से एंट्री होती है, गेट पास बनता है, और गेट पास बनने के बाद फिर रिसीट में आता है, और रिसीट जो है रिसीट से फिर इंस्पेक्शन के बाद फिर वो स्टोर अपने स्टॉक में लेता है। ये सारी प्रक्रिया है, तो चूंकि वो सेफ से कंट्रोल होता है इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मैनुअली कोई छेड़छाड़ कर सकता है। पूरा हमला लगा हुआ है उसमें, आज भी जांच करने के लिए हमारे स्टाफ हैं, ऑफिसर से देख रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि भाई इस तरह का मार्च एंडिंग के नाम से कोई ऐसा हो सकता है। चलिए ये तो रही है गड़बड़ी जैसी आशंका। ये जो इक्विपमेंट की कमी या हम नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते जल्दी, आगजनी होती है तो हम तुरंत नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते? आखिर बिजली विभाग में ऐसी क्या कमी है, वो सारी चीजों में लेस होके क्यों तैयार नहीं रहता ऐसी? निश्चित तौर पर प्रशासन स्तर पर जो चीजें आनी चाहिए थी वो उसमें कमी हुई है। हम स्वीकार भी कर रहा हूं कि भाई फायर फाइटिंग सिस्टम जो हमारा है वह इस तरह के आग बुझाने वहां पर था जरूर, लेकिन वह इस तरह के इतनी भयावह आग को कंट्रोल कर ले इसमें सक्षम नहीं था और न हो सकता था। और जो रिस्पांस टाइम में जहां तक बात है, जो मेरी जानकारी, मैं खुद वहां पर 3-3.5 घंटे तक मैं 132 KV सब स्टेशन की तरफ था, बड़े ऑफिसर्स, MD साहब, चेयरमैन साहब और कलेक्टर, SP सारे लोग थे, और वो पूरे चूंकि जिस तरह का मामला कल बन गया था उसमें जिला प्रशासन और पूरा राज्य शासन के अधिकारी इन्वॉल्व थे, और वो सारा कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके दिशा निर्देश पे काम हुआ। क्योंकि आग लगभग मुझे लगता है कि चारों तरफ फैल चुका था, और सबसे बड़ा कारण वही था कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो जमीन पे गिरे थे वो उसके कारण से जमीन गिरी थी, और उस जैसे भी पानी भी डाले तो फिर भी आग की लपटें बहुत ऊंची जा रही थी, और इसके फैलने का कारण मेन यही था। 132 KV सब स्टेशन में, जैसा कि कुमार जी ने बताया, मैं मानता हूं इसको कि सारा कुछ हमारा फोकस जो था, प्रबंधन का फोकस था कि 132 KV से बच जाए, और चूंकि हम लोग क्योंकि ये एयरपोर्ट से जो आया उसने उसको उसी दिशा में बुलाया गया जहां पर 132 KV सबमिशन था, और सारा जब उन्होंने स्टार्ट किया अपना बचाव तो वह उसके बाद से नियंत्रण में आया, और सारा उन्होंने कहा पानी की सप्लाई है उनको चाहिए था, लगातार पानी की सप्लाई भी उनको की गई, और निश्चित तौर पर निगम प्रशासन से ने पानी की व्यवस्था की, और हमारे जो दमकल और थे उन्होंने एयरपोर्ट की जो गाड़ी थी उसको उन्होंने ट्रांसफर किया पानिया, और उन्होंने काफी सक्षमता के साथ में, चूंकि काफी सेंसिटिव होता है आप जानते हैं एयरपोर्ट जो है, और एयरपोर्ट के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वैसी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम जगहों पर होती है, तो ये सारा कुछ मिलकर ही काम हुआ है। इस तरह के चूंकि आशंका नहीं थी, कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस तरह से स्थिति हो सकती है, हालांकि विजिलेंट रहना चाहिए, प्रबंधन को दूर की सोचकर इस चीज इन सब चीजों पे काम करना चाहिए, और उसकी शहर के बीच में भी ये यार्ड बन गया है। क्या ये क्या अब इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप एक तरीके से पेट्रोल से भरे हुए कई ट्रांसफार्मर लेकर एक शहर के बीच में यार्ड बना देते हैं, खतरे में नहीं डाल रहे हैं लोगों को? देखिए मुझे ध्यान है, चूंकि मैं इस विभाग का कर्मचारी रहा हूं और स्टोर में ही काम किया, मैंने 9 साल स्टोर में काम किया प्रारंभिक, और 1983 में यह स्टोर जो है वह एक छोटी सी जगह से गुढ़ियारी से ही ये बड़ी जगह में शिफ्ट हुआ था, लगभग 4-5 एकड़ का ये जगह है, और काफी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे 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 प्रदेश बना, प्रदेश बनने के बाद से यहाँ पर आवक जो है ज्यादा हुई, स्टोर बहुत ज्यादा बिजी हो गया, और उसके अनुसार जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, जो कुछ करना चाहिए था यहाँ पर, शायद उसमें कमी हुई और उस कारण से ये दुर्घटना हुई ऐसा मुझे लगता है। चलिए तो कई चीजों को सुधारने की जरूरत भी है, आप कोई विशेषज्ञ के नाते कुछ सलाह देना चाहेंगे क्या कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, जब तक आप सक्षम प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं रखेंगे, कुशल कर्मचारी नहीं रखेंगे, चाहे वह सुरक्षा का मामला हो
सुरक्षा गार्ड के रूप में हो, चाहे वहां पर अंदर काम करने वाले हो, या जो अधिकारी वहां पे पोस्टिंग की जाती है उनकी कोई विशेषज्ञता हो इस मामले पे, क्योंकि स्टोर मैनेजमेंट एकदम अलग चीज है। आप बाहर का जो हमारा जो लाइटिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सिस्टम है, वो एक अलग मामला है, लेकिन जहां पर की ट्रांसफार्मर रखे हैं और कंडक्टर्स रखे हुए हैं, कंडक्टर ड्रम होते हैं, केबल्स होते हैं, सारा कुछ ये ज्वलनशील होते हैं, और ट्रांसफार्मर ऑयल आप जानते हैं कि उसके बगैर तो हमारा ट्रांसफार्मर काम कर नहीं सकता, तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और ये कोई आज का नहीं है। लेकिन इस पर निश्चित तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और जगह जैसे कहा कुमार जी ने कहा कि चूंकि ये 40 साल पुराना स्टोर है, तो 40 साल पहले ये कोई बात नहीं थी, आज भी काफी कुछ सुरक्षित है जगह के हिसाब से जहां तक मानूं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज तो गली गली में पेट्रोल पंप खुल गए हैं, ये स्थितियां हैं, तो उनसे तो कम है, लेकिन ये चूंकि घटना हुई है तो निश्चित तौर पर प्रबंधन जो है, क्या आग बुझाने के लिए कुछ उन्नत किस्म के इक्विपमेंट ये सारी चीजें नहीं रहनी चाहिए वहां ऐसी जगह? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, और सीसीटीवी पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, वो जो कंट्रोल रूम हमारा है उस कंट्रोल रूम से कनेक्ट होना चाहिए, थोड़े से भी आग की लपट कहीं से भी दिखाई देती है, छोटी मोटी भी दिखाई देती है, तो उस पर तत्काल ध्यान जाए और वहां पर लोग जो है काम कर सके। एक दमकल फायर ब्रिगेड सीएसईबी का खुद का भी होना चाहिए, क्योंकि काफी सेंसिटिव है हमारा टोटल काम जो है, ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की सलाह आई है, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आलोक जी हैं, वो जरूर इस तरीके की बातों को आगे तक भी पहुंचाएंगे। आलोक जी, आरोप प्रत्यारोप को किनारे भी कर दें तो कई चीजों में ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है, हमारा रायपुर सबका है और इसे बचाना सबकी जिम्मेदारी है, ऐसे में इन सुझावों पर आपकी सरकार तेजी से काम करे और ऐसी घटना ना हो, इसके लिए और कैसे प्रयास होंगे, आपकी पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए मोहन जी, ये घटनाएं जो होती है वो हमेशा आपको, आप दुर्घटना से क्या सीखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर दुर्घटना हो गई उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन दुर्घटना से यदि आप कुछ सीख रहे हैं और उसको वापस से दोबारा वो दुर्घटना ना हो उसकी आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तरह से एक कमेटी बनाई है जो इसकी जांच भी करेगी कि आज जन्म कैसे हुआ और क्या कारण थे उसके, और इसे कैसे रोका जा सकता था। तो इस पे तो त्वरित कार्रवाई करते हुए आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी ने इस पे कमेटी बना ही दी है, इस पे आके जो है एक्शन लिया जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि दुर्घटना हो गई वो अलग बात है, दुर्घटना को आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर यदि कोई दुर्घटना नहीं दुर्घटना है उससे यदि आप सीखते हैं तो उस तरह की दुर्घटना को आप रोक सकते हैं, अगर आप एक बार दुर्घटना को फेस कर चुके। दूसरा, ये जो दुर्घटना हुई वो ऑयल की जलने वाली चीजें थी जिसमें पानी उतना असरकारी नहीं होता है, तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से और हम नए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को बढ़ाएं और कौन से और ऐसे इक्विपमेंट्स ऐड करें जो इस तरह की आग में काम आ सके, तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार जरूर ध्यान देगी और सरकार त्वरित कार्रवाई भी करेगी, यदि कोई दोष आ जाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चलिए एक बड़ा भरोसा दिलाया श्री कुमार जी, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी, इनको किसको बचाना है, ये जो भी लोग होंगे काले पीले करने वाले पहले के होंगे। श्री कुमार जी आवाज आ रही है? जांच कमेटी की गई है जी जी जी, आ रही, बोलिए। ये पर्याप्त नहीं है हमारे हिसाब से, इसके बारे में न्यायिक जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, किसी मजिस्ट्रेट के मामले से जांच होनी चाहिए, और टेक्निकल जो है बाहर के लोगों के साथ जांच करानी जरूरी है, क्योंकि कार्यपालक निदेशक स्वयं वहां के ही है, उनके अंडर के पूरे स्टाफ है, उनके अंडर के सभी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मैनिपुलेशन होने की संभावना है, एक बात। दूसरी बात, आप कल गए होंगे वहां पर, आपने देखा होगा वहां वॉच टावर भी लगे हुए हैं, वॉच टावर जो रहते हैं जहां पर सब ऊपर में चढ़कर सर्विलेंस करने के लिए, वॉच टावर वहां खड़ा है, लेकिन वॉच टावर में वहां कोई सिक्योरिटी का आदमी नहीं रहता, अगर प्रॉपर वे में वहां वॉच टावर पे आदमी बैठा होता तो शायद उसके नजर में ये चीज सामने आ जाता और उसके बाद उस तत्काल में रोकने का प्रयास हो जाता। हाँ, निश्चित रूप से रायपुर शहर हम सबका है, हम सबको सोचना इसके बारे में, उसके सोच नतीजे के रूप में मैं चाहूंगा कि इसके बारे में गंभीरता से शासन और प्रशासन और सरकार सोचे कि कैसे ऐसे जगहों पर ज्वलनशील पदार्थों को रखने के जो ये है उनकी क्वांटिटी तय हो, वहां पर उनकी जगह सीमा तय हो कि कितने बड़े क्षेत्र में उसको रखा जा सके, और उसके आसपास चाहे वो रेत हो, चाहे फायर फाइटर अन्य इक्विपमेंट्स हो, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो, ये सब चीजें, और सिर्फ एयरपोर्ट के भरोसे हम न रहे, हमको अपने व्यवस्था के अंतर में भी इस चीजों को लाना पड़ेगा, और लाकर जब हम व्यवस्थाओं को ठीक करें, नगर सेना में पास ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमको और भी जो चीजें जो आपने पहले बताया कि रायपुर के चारों कोने में एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था, जो नगर निगम का प्रस्ताव था हमने चालू करने का प्रयास भी किया था,
लेकिन वो शायद किसी किन्हीं कारणों में चालू नहीं कर पाए थे, क्योंकि स्टाफ की स्वीकृति नहीं आ पा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, लेकिन अब गंभीरता से इन बातों पर सोचने का समय है कि रायपुर में जनहानि ना हो, ऐसी घटनाएं कहीं अगर किसी गली में हो रही हो, चाहे किसी बड़े क्षेत्र में या इंडस्ट्री में हो रही है, इसमें बचाव के रास्ते नहीं निकलने चाहिए। चलिए फाइनल का कमेंट ले लेते हैं अरुण देवांगन जी का। अरुण देवांगन जी, एक विशेषज्ञ के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस तरीके की चीजों से, हम क्या सीखकर क्या करें कि ऐसी घटनाएं ना हो? निश्चित तौर पर हर एक दुर्घटना जो है वो सबक देके जाती है, उस सबक पे आप कितना अमल करते हैं नहीं करते हैं ये आपके ऊपर में है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि प्रबंधन जो है और शासन चूंकि बहुत संवेदनशील दिखाई दिया कल की घटना में, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो यह सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। बिल्कुल, तो हम सब यही चाहते हैं कि इस तरीके की घटना आगे ना हो, क्योंकि ये जब आग जल रही थी तब से लोग इसकी तपिश को महसूस कर रहे थे, जो दूर थे वो भी इस बात को समझकर एक दहशत के माहौल में थे कि इस तरीके की आग हमारी राजधानी में लगकर अगर बढ़ गई तो क्या होगा। तो ये आग अगर बुझ गई है तो इस पूरे प्रकरण में जो सवाल उठ के सामने आए हैं सुलगते हुए, वो नहीं बुझने चाहिए, उन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी फाइनल नोट पर आज ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आलोक सोनी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। श्री कुमार मेनन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अरुण देवांगन जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।